अस्सलामुअलैकुम, मैं उसामा हबीब अंसारी द एड्रेस रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म पर अपने इन्वेस्टर को, अपने क्लाइंट को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद करता हूँ। और आज हम मौजूद हैं टेसर टाउन स्कीम 45 की ऑफिशियल साइट पर, ऑन ग्राउंड विजिट पर आज हम मौजूद हैं, जिसका मैंने आपसे वीडियो में जिक्र भी करा था कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ऑन ग्राउंड आपको यहाँ पर सारी वीडियोस वगैरह इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। और हर सेक्टर का मैं कोशिश करूँगा कि इंडिविजुअली सेपरेटली आपको डेवलपमेंट, वहाँ की कंस्ट्रक्शन वगैरह दिखा सकूँ। तो इस टाइम, इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये तेसर टाउन का सेक्टर 80 है, और सेक्टर 80 के इस वक्त हम डिवाइडिंग रोड पर मौजूद हैं, जो कि सेक्टर 80 और सेक्टर 79 को डिवाइड करता है। और ये 160 फीट का रोड है जिसके ऊपर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, और ये आपको वीडियो में नज़र आ भी रहा होगा, ये 160 फीट का वाइड रोड है जो कि सेक्टर 80 को और सेक्टर 79 को डिवाइड करता है। और यह आप मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं, ये सेक्टर 80 है मेरे पीछे, और यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन अपने आँखों से देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन माशाल्लाह से हो रही है। और यहाँ पर आपको सारे ये घर सारे बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये सारी 120 गज की यहाँ पर कटिंग है, कैटेगरी है सेक्टर 80 की, जिस वक्त जो इस टाइम में लोकेशन पर ये खड़ा हुआ। डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से यहाँ चल रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर हो रही है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि काम तो देखें यहाँ पर हो रहा है, मार्केट स्लो है, हालात इस वक्त साजगार नहीं है, पाकिस्तान बहुत ही मुश्किल वक्त से इस वक्त गुजर रहा है, और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान की रियल इस्टेट सेक्टर पर आ रहा है। और तेसर टाउन भी एक रियल इस्टेट हब है और एक इन्वेस्टर का एक बहुत बड़ा हब है, ओवरसीज़ का बहुत बड़ा हब है, तो यहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत स्लो हैं। लेकिन आज यहाँ पर आने का जो मकसद है और जो मेरा मेन पॉइंट है, वो आपको ऑन ग्राउंड लोकेशन दिखाना है, मैं चाह रहा हूँ कि देखें यहाँ पर काम हो रहा है, हालात इतने ख़राब होने के बावजूद, रेट इतने ज़्यादा नीचे आने के बावजूद यहाँ पर काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसी के बिल्कुल अपोजिट सेक्टर 79 है, सेक्टर 79 के अंदर भी अगर मैं आपको दिखा सकूं तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं चल रहा, सेक्टर 80 से ज़्यादा सेक्टर 79 के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। डेवलपमेंट स्लो ज़रूर है, पर आप ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट रुक गई है। अगर मैं आपको अपने सामने दिखा सकूं तो सामने सेक्टर 80 के बिल्कुल जस्ट अपोजिट सेक्टर 76 है, जो कि मेन शहर है तेसर पर लोकेट करता है, सेक्टर 76 भी, और सेक्टर 80 और सेक्टर 76 दोनों मेन शहर है तेसर पर हैं, और सेक्टर 76 के अंदर भी कंस्ट्रक्शन का काम आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि बड़ा ही ज़ोरों शोर से चल रहा है, और क्या ही बिल्डर, क्या ही एंड यूज़र और क्या ही ओवरसीज सब यहाँ पर घर बनाने में इस वक्त लगे हुए हैं। वो अलग बात है कि देखें काम स्लो है, मैं ये नहीं कहूँगा या मैं आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं करूँगा कि यहाँ पर बड़ा ही तेज़ी से काम चल रहा है, काम स्लो है, लेकिन ये है कि रुका नहीं है, काम चल रहा है, स्लो पेस में ज़रूर है पर काम चल रहा है, और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रही है। रेट इतने नीचे जाने के बावजूद भी, पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब होने के बावजूद भी इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि आप खुद सोचें कि इतने कम पैसों में, इतना अंडर वैल्यू, जिन पैसों में आज की तारीख में मैं समझता हूँ आपको कोई अच्छी गाड़ी भी नहीं मिलती, इन पैसों में आपको गवर्नमेंट की एक लीज़ सोसाइटी के अंदर एक पक्की लोकेशन का प्लॉट मिल रहा है, जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद भी है। सेक्टर 80 आपके सामने है, 79 आपके सामने है, और यही जो पूरा रोड है 160 फीट जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ, यही रोड सीधा फेज़ टू की तरफ भी जा रहा है, जो कि हमें आगे सेक्टर नज़र आते हैं, सेक्टर 95 और सेक्टर 17, सेक्टर 94 वगैरह, ये सेक्टर सारे फेज़ टू के हमें नज़र आते हैं। तो मेरा मशवरा अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को, और जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, देखें सोचना छोड़ दें, इन्वेस्टमेंट आप कर लें। अगर आपने दिमाग बनाया हुआ है और आप सिर्फ इसलिए सोच रहे हैं या सिर्फ इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त साजगार नहीं है, क्या पता मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए या क्या पता मुल्क बहुत ज़्यादा तबाही का शिकार हो जाए, तो देखें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करने वाला है। ये वक्त गुजर गया तो ये मैं समझता हूँ ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, इस अपॉर्चुनिटी को हम मिस ना करें। रेट बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू हो चुके हैं और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं, चाहे तो सेक्टर 80 के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें
चाहे तो सेक्टर 79 में आप इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, इन दोनों की अगर मैं रेट्स की मैं बात कर लूँ तो रेट्स यहाँ पर जो कम से कम शुरू है सेक्टर 80 के अंदर और सेक्टर 79 के अंदर, आप यूँ समझ लें 15 से 16 लाख की जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर शुरू है 120 गज़ की। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 80 गज़ की बात करूँ तो तकरीबन आप यूँ समझ लें कोई 14 लाख से यहाँ पर प्लॉट शुरू है सेक्टर 80 के अंदर। और सेक्टर 79 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 80 गज़ की जो इन्वेस्टमेंट है आप यूँ समझ लें कोई 16 लाख से शुरू है। तो ये बहुत ही कम पैसों में इस वक्त प्लॉट आपको मिल रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें। बिजली पानी गैस इंशाल्लाह आ जाएंगी, बिजली की कोशिशें यहाँ पर चल रही हैं, जैसे कि आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं सेक्टर 88 के अंदर पोल्स वगैरह का काम हो चुका है, कुंडे की बिजली फ़िलहाल आ रही है, टेम्प्ररी ज़रूर है, परमानेंट भी आ रही है। जब टेम्प्ररी का काम हो रहा है तो इंशाल्लाह परमानेंट की भी कोशिशें जारी हैं। और इसी के अंदर आप जो है इतना कंस्ट्रक्शन का काम जो देख रहे हैं जो कि हो रहा है, तो ये इसी की जीती जागती मिसाल है कि ये आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बनने वाला है। लोकेशन इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, मेन नॉर्दर्न बाईपास की इसकी लोकेशन है और गवर्नमेंट की स्कीम है। सबसे बड़ी चीज़ कोई स्कैम वगैरह नहीं है, कोई कब्ज़े वगैरह का चक्कर नहीं है, कोई दो नंबर डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके अंदर नहीं है। तो मेरा अपने इन्वेस्टर को आखिर में यही मशवरा है कि इन्वेस्टमेंट करें, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। और जो मेरे सेलर हजरात हैं, जो प्लॉट होल्डर्स हैं, उनके लिए भी यही मशवरा है कि माना कि उनकी इन्वेंट्री इस वक्त बहुत नीचे आ चुकी है, तो सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, सब्र व तहम्मुल रखें। जब पहले मार्केट ऊपर गई थी तो इंशाल्लाह ताला मार्केट उस रेट पर तो दोबारा आनी ही आनी है, और आगे कितना मज़ीद आगे जानी है ये अल्लाह बेहतर जानता है और आने वाला वक्त इस चीज़ को बताएगा। तो अपनी वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, और जो यहाँ पर जो और भी जो सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर भी जो है कवर करूँगा। तो अपनी वीडियो में को मैं यहीं एंड करता हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद कुछ नई अपडेट के साथ, मज़ीद कुछ नई सेक्टर के साथ, और फेज़ टू के भी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आने वाली वीडियोस के अंदर आपको फेज़ टू के सेक्टर भी हम ऑन ग्राउंड दिखाएंगे जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद है, और जो मज़ीद यहाँ पर जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है उसके अंदर भी हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, और कॉटेज इंडस्ट्री का भी इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको नज़र आएगा। तो अपनी वीडियो को यही एंड कर दो, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।